आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। राम मंदिर निर्माण को लेकर रामरण अनशन कर चुके स्वामी परमहंस ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक अगर सरकार राम मंदिर निर्माण पर कोई ठोस पहल नहीं करती तो 6 दिसंबर की दोपहर 12 बजे वो आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने अपने मंदिर तपस्वी छावनी पर बाबर विचारधारा विध्वंस महायज्ञ भी किया। आज जो है तो बाबर विचारधारा विध्वंस महायज्ञ का आयोजन है मेरा। इसमें जो है हमारा यह है कि हमारी लड़ाई मुस्लिमों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस लुटेरा आतंकी आक्रांता आतंकवादी बाबर से है। तो बाबर तो मर चुका है, लेकिन बाबर की विचारधारा 2% कट्टरवादी मुस्लिमों में है, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं, उनको मैं समझाने के लिए कि आज से उनकी विचारधारा देशभक्ति की हो जाए, आज से उनकी विचारधारा वो गद्दारी की भावना खत्म हो जाए, रहते हैं हिंदुस्तान में गाते हैं पाकिस्तान की, तो उनके अंदर जो है ये गद्दारी खत्म हो जाए और भगवान के प्रति उनकी आस्था जागृत हो जाए। भारत का प्रत्येक मुसलमान इस बात को जानता है कि बाबर ने इस्लाम को बदनाम किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर निर्मल खत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी खुद बताएं कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे मानेंगे, उसके बाद राहुल गांधी पर उंगली उठाएं। निर्मल खत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है भाजपा राम मंदिर निर्माण का नाटक करती है, लेकिन जनता अब भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। हर इलेक्शन के पहले इस तरीके के तमाशे लिए करते हैं और जनता के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जान गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने के लिए इस मुद्दे को लाते हैं और अब लोग कोई भी इनके उस तमाशे से, जमावड़े से, सम्मेलन से, धर्म संसद से कोई भी किसी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये शक तो मतलब पिछले कई वर्षों से चल रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है और छेड़छाड़ जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है वो कर रही है और उसकी टेक्निक को दुनिया भर की समझा गया है और उसी के आधार पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके हाथ से निकल चुका है तो अब इसी पे जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से कुछ हम मैनेजमेंट करके कहीं अपनी कहानी कुछ बना लें। और मैं समझता हूँ कि इन तरीके की घटनाओं को आयोग को सख्त होना चाहिए। अगर चानवाग आयोग भी सरकार के आगे बिल्कुल शरणागत रहेगा तो कैसे इस देश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती है। मथुरा के शिक्षक भर्ती घोटाले में तत्कालीन बीएसए समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पूरे मामले में तत्कालीन बीएसए संजीव कुमार समेत 4 खंड शिक्षा अधिकारी और डिस्पैच पटल सहायक को नामजद आरोपी बनाया गया। कोतवाली मथुरा में बेसिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया। फिलहाल एसटीएफ पूरे घोटाले की जाँच कर रही है। बीएसए के द्वारा थाना कोतवाली में एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुल 6 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। उस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है। ये पूर्व में भी एसटीएफ और एसआईटी के द्वारा इन्हीं संबंधों में विवेचनाएं चल रही हैं। ये सभी चीज़ों को समाहित करते हुए विवेचना शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। बीजेपी नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि बीजेपी नेता आला अधिकारियों को धमकाने से भी पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला आगरा का है जहां भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे का एसपी सिटी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। हम सत्ता में इसलिए हम बेकार हैं, हम विपक्ष में अब तक तो थाना पलट देते हैं, पलटे हमने थाने, हमने थाने पलटे, हमने इंस्पेक्टर को दौड़ाया, हमने आपने कमजोर समझ रहे क्या कि सरकार हमारी जो श्री लोटा कार करता हूँ पीटेंगे आप उसी घर पर रहता है भैया करा फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के असनी चौकी क्षेत्र में दबिश देने गए चौकी इंचार्ज विंध्यवासिनी तिवारी पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज के सिर और नाक में काफी चोटें आई हैं। चौकी इंचार्ज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने क्षेत्र में पुलिस ने लोहा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के हत्थे गिरोह के 4 सदस्य चढ़े हैं। इनके पास से पुलिस ने लाखों की कीमत का लोहा बरामद किया, साथ ही हथियार भी इनके पास से मिले हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। स्वच्छता रैली गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकालकर शहर के तमाम रास्तों तक पहुंची। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। फरखाबाद के इटावा बरेली हाईवे पर पिकअप सवार बदमाशों ने स्टेशन जा रहे बाइक सवार युवक को लूट लिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने पूरे मामले की तहरीर पुलिस को दी है। युवक ने बताया कि बदमाश उसे 3600 रुपए लूट कर ले गए। वहीं पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाते हुए फायरिंग की बात को नकार दिया। फरखाबाद में नगर पालिका की लापरवाही के चलते एक गौवंश को 8 घंटे नाले में गुजारने पड़े। सूचना के 4 घंटे बाद पहुंची नगर पालिका की रेस्क्यू टीम ने 1 किलोमीटर तक नाले के ऊपर पड़ी पट्टियों को जेसीबी की मदद से हटाया, तब जाकर गौवंशीय पशु की जान बच सकी। शाहजहांपुर में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की पत्नी और बच्चे नीचे खड़े थे। टंकी के ऊपर चढ़े शख्स का कहना है कि उसके भाइयों ने पत्नी के साथ मारपीट की थी और उसकी गैर मौजूदगी में बलात्कार का प्रयास भी किया। इस शख्स ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए किसी तरह उसे नीचे उतारा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।